बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास 150 ग्राम ओट है और इसके अंदर मैं वन पिंच मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया और वन स्पून मैंने इसके अंदर स्किम्ड मिल्क का स्पून डाल दिया। तो ना अभी हम इसको पीसते हैं और हम बनाएंगे हमारी सहरी के लिए, सहरी स्पेशल ओट की रोटी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने ओट अभी इधर ब्लेंडर में डाल दी। अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। अभी मैं इसको ब्लेंड कर, ये देखें हमने ओट को दरदरा सा पीस लिया है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया जैसे आटा होता है, थोड़ा सा ताकि उसकी थोड़ी पत्ती सी नज़र आए और फाइबर उसके अंदर रहे। इसमें थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क और साथ ना सॉल्ट, तो ये आप ऑप्शनल है। ये आप इसके अंदर ऐसे कोई ग्रीन धनिया या पार्सली डालना चाहिए, ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है। तो मैंने डाल लिया, इसलिए ना लुक नाइस भी लगता है और टेस्ट भी। इसका आटा बनाएं या रोटी बनाएं तो मैं ना आपको दोनों ही चीज़ें दिखाती हैं। ये देखिए, ये छोटा ज़रा पीस हम लेते, ये पराठे के लिए हम ज़्यादा बड़ा रखते हैं, तो ये जो है ना इसका हम रोटी बनाएंगे। तो ये मैंने साइड में कर दिया। अब इसका हम पराठा बनाएंगे। तो ये जो मेरे पास ये आटा है ना, ये ओट का ही है, देखें बिल्कुल जैसे हम दूसरा पराठा बनाते हैं। इसलिए ये सहरी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जो हजरात लोग डाइट करते हैं, आटा नहीं खाना चाहते, तो ना वो ओट से अपना पराठा रेडी करें और खाएँ सहरी के टाइम और मज़ा करें। और इसका जो है ना, आपको पता है काफ़ी टाइम इसको लगता है डाइजेस्ट होने में, बहुत हैवी भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही हेल्थी होता है। और देखें, ऑलरेडी ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर देसी घी डालती हूँ, तो ये आप ठीक है। ये देखिए, मैंने ये रोल कर दिया पराठे के लिए और सेम उसी तरह से ही हमने इसका पेड़ा बनाना है जैसे हम अपना दूसरे आटे का बनाते हैं। बहुत ईजी है। अब ये पराठे का पेड़ा हम उधर रखते हैं और इधर देखिए फ्लेम ऑन है हमारी, ऊपर हमने रख दिया तवा, वो गर्म होता है। तो अभी हम आ जाते हैं इधर, ये जो रोटी खानी है हमने ओट की, बहुत नहीं ये पतला करना चाहिए, इसलिए ना जैसे दूसरा जो आटा जितना हम पतला करते हैं ना तो उससे रोटी बनाते हैं, उतना तो नहीं। ये ज्वार का आटा और बाजरे के आटे की तरह ये ओट का आटा लगता है और इसके किनारे भी आपको वैसे ही लगेंगे, कभी थोड़े से रफ रफ, लेकिन आप ना इसको गुड लुक देने के लिए, तो बन गई है ना ओट की रोटी, तो हमने अभी इसको अच्छी सी फाइन लुक देनी है। ठीक है, देखेंगे मैंने इसके ऊपर रख दिया बहुत प्यारा सा ढक्कन और जितना भी इधर एक्स्ट्रा है। पराठे को भी उसी तरह हमने सॉस पैन के ढक्कन से, लिड से हमने पराठे को भी वैसी शेप दे ली। देखें, इसको ऊपर रख के जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने उसको राउंड कर दिया और देखें ये लुक नाइस कितना प्यारा। और इसको प्लस मैंने ग्रीस पेपर के ऊपर रख के बेला है तो और भी इजी हो गया। अब ये तकरीबन सूखने वाली शक्ल में आ गई।
चूंकि ये रोटी है तो अब ये हम इसको फ्लेम के ऊपर ही सेक लेंगे, तो जो पराठा है उसको हम फ्लेम पर नहीं सेक सकते। रोटी इसको हमने सेक लिया, अब हम ना इसको खाने के लिए थोड़ा सा ऊपर घी डाल रहे हैं। देसी घी जो है वो इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट में जाते हैं वो ऑयल को छोड़ते हैं, देसी घी या कोकोनट ऑयल उसके ऊपर जो ये होती है ना, ये कीटो डाइट है आजकल बहुत, तो उसमें भी ये देखिए देसी घी का इस्तेमाल बताते हैं या कोकोनट ऑयल का, और उसके लिए भी ये बहुत एक किस्म की है ना मुफीद है ओट की रोटी। ठीक है, ये देखें ये हमारी रोटी कितनी, ये जो पराठा हमने बेला था ये वो देखें, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा डाला और देखें बिल्कुल कितनी ही गुड शेप में, और ये देखें कितनी ही अच्छी हमारी ये ओट की रोटी, कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही मज़े की लग रही है। ये देखें मैं अभी, फिर तो रमज़ान शरीफ आ जाना तो हम ये खाने के लिए मुश्किल हो जानी, अभी मैं आपको ये खा के दिखाती। सब्ज़ी से, दाल से, गोश्त से, जिससे मर्ज़ी खाएं, अगर नहीं तो आप ये मॉर्निंग टाइम योगर्ट से या फ्राइड एग से भी खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना फ्लफी फ्लफी, कितना खूबसूरत हमारा पराठा पक रहा है। ये पराठा है इसलिए हम इसमें घी डालते हैं। का ओट का पराठा पका है, ये देखिए पराठा भी कितना मज़ेदार, आप बेशक ऐसे ही खाओ आपकी मर्जी है। और ये छोटा सा जो मैंने बना लिया चुनु मुन्नु सा, ये बच गया था जो मैंने अजीज निकाले हैं उसका है, और देखिए कितना मज़ेदार ये देखें पराठा और रोटी सैरी के लिए। आप